जो लोग रिकॉर्डिंग सुन रहे हैं, हैंड रिटन शीट नंबर 67 67, देखो मिल गई शीट, देखो शीट नंबर 67 में यहां से स्टार्ट है कि अगर मान लो ये लेंथ है जिसमें आई करंट जा रहा है वायर का और मैग्नेटिक फील्ड ये रहा मेकिंग एन एंगल ऑफ थीटा, तो दिस वायर विल एक्सपीरियंस अ फोर्स कितनी, बी आई एल साइन थीटा, या वेक्टर फॉर्म में आई इंटू एल क्रॉस बी। अगर एंगल जीरो हो गया तो एफ इज बी आई एल साइन जीरो जीरो, और अगर 90 हो गया तो मैक्सिमम, और डायरेक्शन कैसे निकलेंगी फ्लेमिंग्स, लेफ्ट हैंड रूल। तो ये फॉर्मूला क्लियर है, ये वाला फॉर्मूला थोड़ी देर में करेंगे, पहले फर्स्ट फॉर्मूले के बेस पे क्वेश्चंस करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन प्लीज, देखो क्वेश्चन में क्या गिवन है कि करंट ऑफ 2 एम्पियर, तुम प्लीज अपने डायग्राम में ना बना लेना यहां पे करंट ऑफ 2 एम्पियर, यहां बना ले करंट ऑफ 2 एम्पियर। एंटर्स अ कॉर्नर ए, तो ये कॉर्नर ए है, ऑफ साइड 20 सेंटीमीटर, लेंथ आपको पूरे स्क्वायर फ्रेम का गिवन है 20 सेंटीमीटर, ये लो। एंड इट लीव्स एट सी, तो सी पे 2 एम्पियर करंट बाहर निकलता है। रेजिस्टेंस सभी वायर की सेम है, तो मेरे को ये बात समझ में आती है कि ए पॉइंट पर ये 2 एम्पियर का करंट स्प्लिट हो जाएगा दो वैल्यूज में, कुछ करंट ऊपर से जाएगा कुछ नीचे से जाएगा, तो इसमें कितना जाएगा 1 एम्पियर, इसमें कितना जाएगा 1 एम्पियर, तो 1 एम्पियर 1 एम्पियर तभी बनेगा 2 एम्पियर। प्लीज डायग्राम में ये बना लेना, बना लो प्लीज। पहला रूल क्लियर है, वो ये कह रहा है कि बी की वैल्यू हमें पता है, करंट पता है, लेंथ पता है, हमें क्या निकालना है, हमें फोर्स निकालनी है, चारों वायर्स पे फोर्स क्या होगी, स्क्वायर के 4 वायर्स हैं, फोर्स क्या होगी। तो एक काम करते हैं, पहले देखो फोर्स का मैग्नीट्यूड बराबर होगा, क्यों, क्योंकि लेंथ सबकी बराबर है 20 सेंटीमीटर, करंट सब पे बराबर है 1 एम्पियर, और एंगल 90 डिग्री, क्योंकि लेंथ और मैग्नेटिक फील्ड तो बाहर की तरफ ही है, तो लेंथ चाहे ये ले लो बी बाहर है, ये ले लो तो भी बी बाहर है, तो एंगल क्या रहेगा 90। तो फॉर्मूला क्लियर है, एफ इज इक्वल टू बी आई एल साइन 90, बी पता है, आई की वैल्यू गलती से मैंने 2 एम्पियर पुट कर दी, यहां पर 1 एम्पियर आएगा, और आंसर भी चेंज कर लेना इसके अकॉर्डिंगली, जो भी आएगा आंसर चेंज कर लेना, आंसर यही है। हाँ, तो 2/2 करना चाहिए था, 2 / 2 यानी कि 1 एम्पियर, क्लियर है, तो करंट 1 एम्पियर होगा हर वायर में, मैग्नीट्यूड आ गया। अब डायरेक्शन देख लें, चलो स्टार्ट करते हैं, पहले ये वाली वायर लेते हैं, चलो ठीक, पहले ये वाली वायर लेते हैं, इस वायर में चेक करें डायरेक्शन क्या होगी फ्लेमिंग का, लेफ्ट हैंड रूल, बी बाहर है तो ये लो, बी बाहर है, बी बाहर आपकी तरफ है, करंट कहां पर है, इस तरफ है, ये करंट है, तो फोर्स कहां लगेगी, नीचे नीचे, ठीक है यहां तक, तो मेरे हिसाब से जो चेक कर लो अपनी कॉपीज में, फोर्स नीचे लगनी चाहिए, कोई डाउट इसमें, ठीक है ना, यहां तक फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल क्लियर है, ठीक ठीक है, सिमिलरली ठीक, फिर लगा लेते हैं, कोई बात नहीं, इस पे देख लें, बी कहां है, बाहर है, ठीक, बी बाहर है, करंट यहां पर कैसे है, नीचे है, नीचे, बी बाहर है, करंट नीचे है, फोर्स कैसी लगेगी, इस तरफ, बी बाहर है, करंट नीचे है, फोर्स, तो मेरे हिसाब से फोर्स इस पे ये लगेगी, कोई डाउट इसमें, ठीक है, फिर देखते हैं, इस पे लगाते हैं, चलो ऊपर वाली वायर पे, बी कैसे है, बाहर है, करंट कैसे है, इस तरफ है, इस तरफ है, तो फोर्स कहां लगेगी, नीचे,
ठीक, तो फोर्स यहाँ पे कैसे लगेगी, नीचे लगेगी। फिर इस पे लगाते हैं, चलो बी कैसे है, बाहर है, करंट इसमें कैसे है, नीचे है, फोर्स कैसे लगेगी, मेरी तरफ। सेम रूल है, इसमें भी नीचे था तो इधर है, तो यहाँ पर भी आंसर इस तरफ। डायरेक्शंस क्लियर है सबकी, पॉइंट समझ में आ रहा है कि फोर्स की डायरेक्शन कैसे निकलेगी इसमें, ठीक। देखो जरा, देखो क्वेश्चन है, एक स्ट्रेट कैरिंग करंट कैरिंग वायर ये जा रही है, और ये किस में से पास कर रही है, सिलेंडर में से, मैग्नेट में से, और मैग्नेट का नॉर्थ एंड साउथ, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इज फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, नीचे की तरफ है, तो दिस वायर विल एक्सपीरियंस अ फोर्स। लेकिन पूरी वायर नहीं, सिर्फ वो पोर्शन फोर्स एक्सपीरियंस करेगा जो मैग्नेटिक फील्ड के बीच में आ जाएगा। तो बोलो कितनी लेंथ होगी जितना सिलेंडर का डायमीटर है, डायमीटर कितना है 2R, तो 2R लेंथ लेंगे जो अफेक्टेड होगी इस वायर की, जहां फोर्स लगेगी। तो इस केस में B क्या लगेगा, BI लेंथ की जगह 2R, साइन 90, इसलिए क्योंकि लेंथ और B में एंगल कितना है 90, तो BIR साइन 90। डायरेक्शन देखें, B कैसे है, नीचे, करंट कैसे है इस तरफ, B नीचे, करंट मेरी तरफ है, तो फोर्स कैसी लगेगी बोर्ड के इनसाइड, बी कैसे है लेफ्ट हैंड नीचे, करंट कैसे है इस तरफ, तो फोर्स कहां लगेगी बोर्ड के इनसाइड, तो लिख ठीक लिखा, नॉर्मली इनटू द प्लेन ऑफ पेपर। क्लियर है यहां तक, नेक्स्ट इस वायर को प्लीज थोड़ा डार्क कर लो, ए बी वायर है ये डार्क है थोड़ी, करंट कैरिंग वायर है, कैरिंग करंट आए, देखो क्वेश्चन के अंदर ये गिवन है, एक स्ट्रेट वायर है जिसका मास गिवन है, लेंथ गिवन है, कैरिंग अ करंट ऑफ 2 एम्पियर, इट इज सस्पेंडेड इन मिड एयर, हवा में लटकी हुई वायर है ये नीचे गिर सकती है, पर नीचे गिर नहीं रही क्योंकि ये मैग्नेटिक फील्ड में पड़ी हुई है। बताओ कितना भी अप्लाई करें कि ये हवा में ऐसी रहे, तो मुझे बताओ कि इस वायर को कौन घेरेगा, इसका वेट कौन बचाएगा, फोर्स ऑफ मैग्नेटिक फोर्स
एफ इज बी आई एल, और वो कहां लगनी चाहिए, ऊपर, और मैं चाहता हूं ऊपर लगे ताकि ये वेट को बैलेंस करे। अब अगर ये फोर्स ऊपर है तो ऊपर, अगर मान लो क्वेश्चन में गिवन भी नहीं है कि मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड है, वैसे आप कह रहे हो उसमें बने हुए हैं क्रॉस, तो भी पता लग ही रहा है कि बी अंदर ही होना चाहिए क्योंकि थंब ऊपर की तरफ आएगा तभी फोर्स ऊपर है और करंट इधर जाएगा, तो करंट इधर है, बी इनसाइड है, फोर्स एक्सपीरियंस्ड ऊपर है। क्लियर है यहां तक? ये फोर्स वेट को बैलेंस अगर कर जाए तो उस केस में वायर रेस्ट पे रहेगी। ये फोर्स किसके इक्वल है, बी आई एल साइन 90 इज इक्वल टू वेट एम जी, बी की वैल्यू आ गई आंसर, बाकी सारी वैल्यूज गिवन है। ठीक है यहां तक? नेक्स्ट, देखो क्वेश्चन पढ़ लिया, इस डायग्राम में कुछ गड़बड़ लग रही है, इस डायग्राम में कुछ गड़बड़ है, है क्या गड़बड़ है, 120, ये एंगल 120 गलत, 60 करो इसे, 60 वैसे भी 120 किस हिसाब से लग रहा है, लग ही नहीं रहा 120, ठीक ये 60 है। देखो इस क्वेश्चन में एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, करंट आई है, इक्विलेटरल का मतलब बनाओ यहां पर 60 60 और 60, पहले तो ये कंप्लीट करो 60, 60 और 60, ठीक। तो सबसे पहले तो आपने इसमें यही लेना है 60, 60 और 60। नेक्स्ट है, मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ है, ये बी वेक्टर है, और अगर ये 60 है तो ये बनाओ, ये ऑल्टरनेट एंगल से कितना है 60, अगर ये 60 है तो ये देखो करंट कहां जा रहा है, करंट ये आई इधर जा रहा है, ठीक। मैंने आपको रूल बताया था, एल वेक्टर लेने का रूल है, एल वेक्टर कहां लेते हैं, जिस तरफ करंट है। तो जैसे मान लो इसके ऊपर आपको फोर्स निकालनी है, तो बी वेक्टर कहां पर है, ये बी वेक्टर है, करंट एल वेक्टर क्या लेंगे, ये लेंगे, ये क्यों लेंगे, क्योंकि करंट ऊपर है। तो एल वेक्टर और बी वेक्टर में एंगल क्या बनेगा, अगर ये 60 है, टोटल स्ट्रेट लाइन है, तो 180 माइनस 60 क्या हो जाएगा, 120, कोई डाउट इसमें, तो ये 120 होगा। लेकिन अगर करंट नीचे होता तो डिस्प्लेसमेंट नीचे होती, तो एल और बी वेक्टर में एंगल क्या लेते, 60। क्लियर है? पर यहां पर 120 है, तो आप चेक कर सकते हो इसमें फोर्स का फॉर्मूला क्या बनेगा, बी आई एल साइन 120, ये साइन 120 रूट 3/2 है। हालांकि अगर आप गलती से 60 भी ले लेते हो तो भी कोई फर्क नहीं है, मैग्नीट्यूड तो सेम ही आएगा, क्योंकि साइन 120 साइन 60 एक ही आंसर देता है। तो इस केस में ये वैल्यू आ गई, और डायरेक्शन को भी बताएगा इसमें, डायरेक्शन ऑफ फोर्स के लिए फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल नहीं लग सकता, क्योंकि एंगल 90 नहीं है, 120 है, नहीं लगाना, तो फिर क्या करें, तो फिर अपना वही रूल कि फोर्स क्या होती है, आई इंटू एल क्रॉस बी, तो राइट हैंड लेके एल क्रॉस बी कर लो, और क्या करे, राइट हैंड लिया, एल वेक्टर कैसे है, ये रहा एल वेक्टर, क्रॉस बी कैसे है, ऐसे है थंब अंदर, एल क्रॉस बी इनसाइड। क्लियर यहां तक? तो एल क्रॉस बी इनसाइड, तो फिर इनसाइड तो आएगा ही आएगा, पॉइंट समझ में आ रहा है? तो फ्लेमिंग का रूल तो तभी चलेगा जब एंगल 90 होगा, नहीं होगा तो फिर सिंपल वेक्टर का रूल चलेगा। तो इनसाइड अ प्लेन ऑफ पेपर क्लियर है?
अच्छा, अगर वायर ये लेते हैं पी क्यू, पी क्यू में लेंथ कहाँ है? राइट। मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है? राइट। तो लेंथ और बी में एंगल कितना है? जीरो। तो फोर्स कितनी है? जीरो। ठीक। फिर इधर लेते हैं, इसमें करंट कहाँ है? नीचे। मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है? राइट। तो ये लो, ये राइट है बी वेक्टर, तो ये क्या है? नीचे की तरफ ऐसे। तो एंगल क्या लेंगे? ये वाला। ये अगर 60 है, काट लेना, ये 60 है, ये 60 है, क्योंकि 60-60 कॉरस्पॉन्डिंग सेम हो जाएगा। तो ये कितना है? 120 है। लेकिन अगर करंट ऊपर होता तो फिर एंगल 60 लेते हैं। तो यहाँ पर बना लेना, यहाँ पर बी आई एल साइन 120 आंसर। और डायरेक्शन के लिए एल क्रॉस बी, एल नीचे है, एल मेरा हाथ नीचे है, क्रॉस बी, बी मेरी तरफ है, बोर्ड के बाहर। डायरेक्शन के लिए फ्लेमिंग का रूल तो चलेगा नहीं। एल क्रॉस बी, एल कहाँ है? नीचे। बी कहाँ पर है? ये रहा। तो एल नीचे, बी ये रहा, राइट हैंड, एल यहां से ये रहा बाहर। करंट ऑफ 5 एम्पियर, करंट 5 एम्पियर है, लेंथ इसकी 50 सेंटीमीटर है, मैग्नेटिक फील्ड पता है, फोर्स निकालनी है, बी आई एल साइन 90, और फोर्स के डायरेक्शन पता लग ही रहा है, बी बोर्ड के अंदर है, करंट इधर है, फोर्स ऊपर, सिंपल क्वेश्चन है। तो इतनी एक्सपीरियंस करेगी वायर। ये भी मेरे ख्याल से क्लियर है, ये करंट जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड टूवर्ड राइट है, तो आपको पी क्यू पोर्शन पे फोर्स निकालनी है। तो ये बताओ कि करंट नीचे की तरफ आ रहा है, तो एल वेक्टर ये रहा, ये एल वेक्टर है, ये रहा एल वेक्टर, नीचे आ रहा है, बी वेक्टर ये रहा, एल वेक्टर, बी वेक्टर, तो एंगल ये लेंगे, ये वाला। तो क्योंकि एंगल 120 है, कॉरस्पॉन्डिंग से 120, तो ये वाला 60, तो बी आई एल साइन 60, फोर्स आ गए। पॉइंट क्लियर है यहां तक? ये क्वेश्चन नहीं होगा क्योंकि ये फोर्स बिटवीन टू पैरेलल वायर्स हैं, तो अभी नहीं करेंगे ये। शीट नंबर 68, जो एक सिंगल पेज की मिली है, जो रिकॉर्डिंग सुन रही है, शीट नंबर 68 का प्रिंट आउट लें, ये वाली वायर है।
देखो इस शीट में क्या डिस्कस किया गया कि हमने अभी तक फोर्स निकाली, पर वो जो फोर्स की वैल्यू निकाली वो हमने स्ट्रेट वायर पे निकाली, टेढ़ी वायर और आर्क्स पे नहीं निकाली। तो अगर वायर कर्व है, आर्क है, तो याद रखना फॉर्मूला एफ इज आई इंटू एल क्रॉस बी, एल इज अ वेक्टर, तो ये डिस्टेंस तो नहीं हो सकता, डिस्प्लेसमेंट हो गया, तो लिख लेना एल स्टैंड फॉर डिस्प्लेसमेंट, ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है। तो अगर ये वायर टेढ़ी मेढ़ी भी है कोई दिक्कत नहीं है, तो उस केस में आप इसकी लेंथ नहीं लेंगे वायर की, आप इसकी डिस्प्लेसमेंट लेंगे। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगी, ए से लेके डी, तो आप फोर्स का फॉर्मूला लगाएंगे बी आई, लेंथ ऑफ वायर नहीं, डिस्प्लेसमेंट ए डी, और एंगल बिटवीन ए डी एंड बी इज थीटा। मैं इसको यूज करके दिखाता हूं। जैसे अगर मान लो आपके पास एक वायर है जहां पे करंट यहां से स्टार्ट हुआ और यहीं पे एंड में खत्म हो जाएगा, तो नेट डिस्प्लेसमेंट क्या होगी, जीरो, तो नेट आंसर क्या आएगा, जीरो। फिर कोई मैंने स्टूडेंट से पूछा समझ में आ गया, कहता आ गया, तो मैंने पूछा बता कि इस सिर्फ इतने पोर्शन पे फोर्स क्या होगी, कहता जीरो। मैंने कहा सिर्फ इतने पोर्शन पे क्या होगी, कहता जीरो। मैंने कहा वो क्यों, कहता नेट फोर्स जीरो। ऐसे थोड़ी ना, वायर का हर एलिमेंट फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है, पर वो इस तरीके से आउटवर्ड आउटवर्ड कर रहा है कि नेट आंसर, नेट फोर्स आपस में क्या होती जा रही है, कैंसल, इसलिए नेट फोर्स जीरो। एलिमेंट तो कर रहा है एक्सपीरियंस। चलो मैं एग्जांपल से समझाता हूं। जैसे मान लो अगला एग्जांपल है, इससे समझ में आ जाएगा। मान लो आपके पास ये करंट यहां से चला, लूप है, स्ट्रेट गया यहां वापस आ गया। मैंने ये पूछा नेट फोर्स कितनी है लूप पे, तो किसी ने कहा सर देखो करंट यहां से गया वहीं वापस आ गया, नेट फोर्स इज जीरो। ठीक है, मैंने पूछा अच्छा बता इस वायर पे फोर्स क्या है, अब ये मत बोलना जीरो, ये वायर फोर्स एक्सपीरियंस करेगी, ये भी करेगी, लेकिन इनकी फोर्सेस पक्की बात है ऑपोजिट डायरेक्शन में होगी, ताकि नेट आंसर क्या आ जाए, जीरो। चलो करके देखते हैं। सिर्फ ये बताओ कि इस वायर पे कितनी फोर्स है, बस इसका इसकी लेंथ कितनी है, आर प्लस आर टू आर, तो ए डी वाले पोर्शन पे बी आई लेंथ की जगह टू आर साइन 90, ठीक, बी आई साइन 90, डायरेक्शन बी वेक्टर बोर्ड के अंदर है, करंट कहां आ रहा है, राइट, फोर्स कहां आएगी, ऊपर, तो इस वायर का आंसर आ गया, फोर्स ऊपर और फोर्स की वैल्यू भी आ गई। अब बारी है आर्क की, ये डी सी ए आर्क है, ये जो डी सी ए आर्क है ये क्योंकि स्ट्रेट तो है नहीं, ऐसे केस में क्या लेंगे, डिस्प्लेसमेंट, तो हम इनके कॉर्नर के पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे। अगर ये आर्क गिवन है आपको, ये डी और ये ए, तो आप क्या करेंगे, आप फोर्स इस डॉटेड लाइन पे निकालेंगे, इस पे निकालेंगे, बात एक ही है, अभी डिस्कस किया था फॉर्मूला। तो मैंने DCA को अपने मन में ऐसे ले लिया, DCA स्ट्रेट और हैविंग अ डिस्प्लेसमेंट ऑफ कितनी, 2R। क्लियर यहां तक, कोई डाउट इसमें, ठीक। तो DCA डिस्प्लेसमेंट 2R और करंट क्योंकि आर्क में लेफ्ट की तरफ जा रहा है, तो DCA में भी लेफ्ट की तरफ जाएगा, तो ये कितनी फोर्स एक्सपीरियंस करेगी, बी आई इंटू अगेन 2R सेम इंटू साइन 90, लेकिन डायरेक्शन बी कैसे है बोर्ड के अंदर, करंट कैसे है, ये रहा, फोर्स कैसे आएगी, नीचे, बी करंट नीचे। तो आप बना सकते हो, यहां पर एक वेक्टर ड्रॉ करो, एफ वेक्टर DCA, एफ ऑफ DCA, ये रहा एफ वेक्टर DCA नीचे, तो इससे पता लग रहा है कि स्ट्रेट वायर पे फोर्स ऊपर है, DCA फोर्स नीचे है, मैग्नीट्यूड दोनों का बराबर है, और ऊपर और नीचे की फोर्स नेट के आंसर देगी जीरो। आप शॉर्टकट लगा देंगे तो भी सही, पर अगर आप पार्ट ऑफ वायर पे निकालना चाहते हैं तो आंसर आएगा, ये नहीं है कि जीरो आएगा। पॉइंट समझ में आया यहां तक, स्टेट मान, देखो जैसे अगर ये टेढ़ी मेढ़ी वायर होती ऐसे, तो भी तो यही करते, इसके ऊपर निकालते डॉटेड के ऊपर, तो आर्क है तो भी तो यही लोगे, हमने डिस्प्लेसमेंट लेनी है ना, डिस्प्लेसमेंट का मतलब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस लेने है हमने, तो 2R के साथ ही करना है। क्या स्टेप क्लियर है, ठीक। फिर देखो सपोज करो मैंने आप ये लूप के अंदर क्या किया, ये देखो एक करंट यहां आ रहा है, एक करंट यहां आ रहा है, तो बोलो नेट फोर्स लूप पे कितनी है, नेट फोर्स कितनी है, जीरो नहीं, जीरो नहीं, क्योंकि करंट जहां से स्टार्ट हो रहा है वहां पे वापस नहीं आ रहा, तो जीरो नहीं लेना। कई लोग जल्दबाजी में जीरो कर देते हैं कि लूप है तो जीरो है, गलत है। अब दूसरा, आपको इस क्वेश्चन में ये सॉल्व करके देखते हैं,
एक स्ट्रेट वायर है और एक आर्क है, स्ट्रेट वायर पे फॉर्मूला क्या लगेगा, बी आई इंटू टू आर, वही सेम फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल, बी बोर्ड के इनसाइड है, करंट इधर है, फोर्स कहाँ लगेगी नीचे, तो एफ ऑफ डी ए तो समझ में आ गया, बी आई टू आर इंटू साइन 90। फिर बात करते हैं इस आर्क की, आर्क तो लेना ही नहीं, शॉर्टेस्ट डिस्प्लेसमेंट लेनी है, शॉर्टेस्ट डिस्प्लेसमेंट के लिए मन में क्या लेंगे, डी सी ए स्ट्रेट लेंगे, ज्वाइन कर लिया ऑफ लेंथ 2r, फिर से एक बार सर क्लियर है यहाँ तक, कोई डाउट इसमें, तो इसमें फोर्स क्या लगेगी, बी आई इंटू टू आर इंटू साइन 90, डायरेक्शन बी का है बोर्ड के अंदर, करंट इस तरफ, फोर्स नीचे, तो इस पे बना लो एफ ऑफ डी सी ए, नीचे ड्रॉ कर लो एफ ऑफ डी सी ए नीचे, पूरे लूप पे एक वेक्टर नीचे, इस वायर पे ऊपर वाला भी नीचे, नीचे और नीचे फोर्सेस हम निकाल चुके हैं ये री, और दोनों को ऐड करेंगे, सब्ट्रैक्ट नहीं करेंगे इस बार, तो ऐड करेंगे तो आपके पास आंसर डाउनवर्ड आ जाएगा, कोई डाउट इसमें, पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक, सारे पॉइंट ए को अप्रोच कर रहे हैं, इसलिए ना दो वेक्टर नीचे हैं, आर्क के पे ऊपर फोर्स नीचे है, वायर नहीं, वेक्टर्स चाहिए इसमें, ए अप्रोचिंग का कोई चक्कर नहीं, दोनों वेक्टर नीचे ऐड हो गए, ऊपर वाले केस में एक वेक्टर ऊपर एक नीचे तो सब्ट्रैक्ट हो गए, वेक्टर सम वेक्टर्स कर रहे हैं, ठीक है यहां तक रिया। ये क्वेश्चन देखो, देखो इस क्वेश्चन के अंदर ये मान लो इंक्लाइन है, बाहर निकाल लेते हैं इंक्लाइन है ये रहा, इसके ऊपर एक वायर है, ये वायर है, इसमें करंट है, मैग्नेटिक फील्ड वर्टिकल है, ऊपर की तरफ है, करंट कैरिंग वायर है, फ्रिक्शन है नहीं, तो नीचे स्लिप हो जाएगी, इंक्लाइन प्लेन पे जब नीचे स्लिप होती है तो कौन सी फोर्स नीचे लेके आती है, एम जी साइन थीटा, नीचे आ जाएगी, मैं ये चाहता हूँ कि नीचे ना जाए वहीं रहे, तो अब रुक चलेगी तब रोल होएगी ना, मैं चलने नहीं दूंगा, मैं मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर दूंगा और इसमें करंट है, इट विल एक्सपीरियंस अ फोर्स, अब मैं ये चाहता हूं कि इस फोर्स का कंपोनेंट ऊपर लग जाए जो एम जी साइन थीटा को बैलेंस करे, रोल नहीं कर सकता, फ्रिक्शन नहीं है, ठीक तो अगर नीचे और ऊपर की फोर्स बैलेंस हो जाए तो ये मूव नहीं करेगी, तो आपको मुझे सबसे पहले ये, क्योंकि सबसे पहले हम ये कंफ्यूज हो जाते हैं इसमें करंट क्या ले, तो करंट के दो ही केस हो सकते हैं, या तो करंट बाहर की तरफ होगा या करंट मेरी तरफ होगा, या तो वायर में ऐसे आ रहा है या ऐसे आ रहा है, चलो मान लेते हैं करंट आपकी तरफ है, एक मिनट लगाएं फ्लेमिंग रूल, फोर्स का लगेगी बी ऊपर, करंट आपकी तरफ, सेंट्रल फिंगर आपकी तरफ, तो फोर्स कहां लगेगी, थंब, ठीक, तो डायग्राम क्या बनेगा, डायग्राम ये बनेगा, ये 30 डिग्री बी ये रहा, बी
करंट आपने बोला कि आपकी तरफ लेना है, बी करंट आपकी तरफ, तो फोर्स कहां लगेगी? इस तरफ, ये रही फोर्स, कितनी? बी आई एल साइन 90. अब प्रॉब्लम ये है कि इधर फोर्स लगने का फायदा नहीं है, क्यों? क्योंकि एम जी साइन 30 ऑलरेडी नीचे लग रहा है और बी आई एल का एक कॉम्पोनेंट भी नीचे लगना स्टार्ट हो गया. अगर इसका कॉम्पोनेंट लेंगे, जब एक कॉम्पोनेंट नीचे लगेगा एक ऊपर लगेगा, तो उस केस में ऊपर की तरफ कोई फोर्स आई नहीं पाएगी, उल्टा ये तो बहुत ज्यादा स्लिप होके नीचे आ जाएगी. अच्छा उल्टा कर लेते हैं, अगर करंट मेरी तरफ हो, अब उल्टा कर लेते हैं, तो बी ऊपर, करंट मेरी तरफ, तो फोर्स कहां लगेगी? इस तरफ. तो यानी कि फोर्स कहां लगेगी? इस तरफ, तो बी आई एल. अब 30 30 कॉरस्पॉन्डिंग, तो बी आई एल का एक कॉम्पोनेंट कहां चला गया? ऊपर. हम यही चाहते थे ऊपर जाए, क्योंकि अगर ये ऊपर जाएगा, साइन कॉम्पोनेंट की रिक्वायरमेंट नहीं है इसमें, बना नहीं रहा, मेरे को सिर्फ इसके अलोंग से देखना है. तो बी आई एल का एक कॉम्पोनेंट यहां आ गया जो इस फोर्स को बैलेंस कर जाएगा और ये ब्लॉक नीचे नहीं आएगा या वायर नीचे नहीं आएगी. तो वायर कब नीचे नहीं आएगी? जब बी आई एल कॉस 30 इज इक्वल टू एम जी साइन 30. स्टेप समझ में आ रहा है यहां तक? तो यहां से बी आई कैन बी कैलकुलेटेड, बाकी सारी वैल्यूज गिवन है. वैसे प्रैक्टिकली सोच रहे, प्रैक्टिकली क्या कहता है, पता ही एक्सपीरियंस से बी आई एल राइट ही लगेगा, लेफ्ट लगा दिया तो कौन कॉम्पोनेंट बनेगा ही नहीं, तो बनना ही इधर चाहिए ताकि एक कॉम्पोनेंट इसको बैलेंस कर जाए. पॉइंट समझ में आ रहा है यहाँ तक? हालांकि मैंने आपको दोनों केस लेके दिखा दिए कि करंट अंदर होगा बाहर होगा तो कैसे सोचना है, तो इस तरीके से आप इसे सोच सकते हैं. कोई डाउट इसमें? ठीक. नेक्स्ट, ये हमने कर लिया, रिपीट हो गया क्वेश्चन बेसिकली.